ओए बैटरी तो लो हो गई, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? लो जी आ गए हम। ओए गाड़ी को क्या हो गया, चाबी क्यों निकल गई इसकी? क्या मसला बन गया यार चाबी को? ओ निकला ये क्या हो गया? मैं तो भूल ही गया था कि गाड़ी ऑटोमेटिक है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्दुल मनान और आप देख रहे हैं रिव्यूज़ बाय मनान। आपने क्लिप्स देखे होंगे, जो न्यू यूज़र हैं AMT के या ऑटोमेटिक पे आते हैं लोग, मैनुअल गाड़ी से ऑटोमेटिक पे, उनके साथ ये इशू होते हैं। तो जिनको जो गाड़ी ऑटोमेटिक चलाते हैं उनके लिए तो ये कोई वीडियो नहीं इतनी मायने रखेगी जी, लेकिन जो फ्रेश बनने हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें आपको अपने बायां पांव बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। ऑटोमेटिक गाड़ी के दो पैडल होते हैं, ब्रेक का और एक्सीलेटर का, क्लच इसमें नहीं होता, तो लिहाजा आपको बाएं पांव का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको इसका गियर लीवर दिखा देता हूँ, आपको ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। ये जो पी होती है, ये होती है P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव, S फॉर स्पोर्ट्स एंड L फॉर लो। जो लो गियर होते हैं इसके, जो हम नॉर्थन एरिया में जाते हैं पहाड़ी एरिया में या चढ़ाई वगैरह होती है तो उस पर उस तब हम करते हैं। थोड़ी सी गाड़ी रफ़ यूज़ करनी हो तो फिर हम स्पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम D पे यूज़ करते हैं, D में नॉर्मल ड्राइव होती है। N पे ये न्यूट्रल हो जाएगी, R पे रिवर्स हो जाएगी, P पे पार्किंग हो जाएगी। तो ये थी जी इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेसिक। अब मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की, आपने जो पहला क्लिप देखा उसमें देख रहे थे आपके गाड़ी की जो की है वो बाहर नहीं आ रही थी। उससे होता क्या है कि गाड़ी आप जब बंद करेंगे आपको पार्किंग पे लाजमी करना होगी, अगर आप पार्किंग पे नहीं करेंगे तो गाड़ी की चाबी बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चाबी है जी इसकी, इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी हो गई है जी स्टार्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिवर्स में डाली है मैंने गाड़ी और मैंने गाड़ी बंद कर दी है जी बंद। अब गाड़ी होगी बंद तो ये देखें आप, गाड़ी की चाबी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही। यहाँ से इसको ये नहीं, लॉक ही नहीं होगा तो ये गाड़ी। अब हम इसको पी पे करेंगे, ये पी पे हमने कर दी और ये गाड़ी की चाबी आ गई जी बाहर। ठीक है, सेकंड जो आप देख रहे थे कि गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी किसी भी गियर में खड़ी है, ये डी पे गाड़ी मैंने की है, इसका लीवर डी पे कर दिया है, अगर किसी गियर में गाड़ी खड़ी है ऑटोमेटिक तो वो गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखें गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं हो रही। अब मैं इसको करूँगा एन पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और पी पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पी पे मैंने कर दिया है, अब गाड़ी हो जाएगी जी स्टार्ट। ऑटोमेटिक गाड़ी में जो इसकी गियर की इंडिकेशन है वो इधर स्क्रीन में भी आ रही है, तो आप जब इसको रिवर्स करेंगे तो R आ जाएगा, जब न्यूट्रल करेंगे तो N आ जाएगा, जब D करेंगे तो ड्राइव में हो जाएगी। इसी तरह स्पोर्ट्स में अब मैंने न्यूट्रल कर दिए और ये कर दिया जी पार्किंग पर। लें जी ये था छोटा सा ट्रिक और टिप्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर किया करें और अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक अ गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।